हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आपकी शादी होने वाली है और लॉकडाउन पीरियड की वजह से आपकी तैयारियां जो है वो रुक गई हैं, तो आप मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी तैयारियों को कर सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई शादी है और आप एज ए गेस्ट जाने वाले हैं तो किस तरीके से आप जो है कपड़े अरेंज कर सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो देख ले। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप किस तरीके से अपने जो है काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो जो काम आपके रह गए हैं उसकी लिस्ट बना लीजिए, उसे लिख कर रख लीजिए कि आपको क्या क्या चीजें आपकी रह गई हैं, जैसे कि डेकोरेटर से मिलना रह गया है या डेकोरेटर से मिल लिया है लेकिन उससे आपने देखा नहीं है, उसकी डेकोरेशन नहीं देखी, तो उसे आप पिक्चर्स मंगवा सकते हैं। केटरर से आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिशेज आपको रखवानी है, उसकी लिस्ट बना सकते हैं। या फिर आप जो है सभी जो काम आपके रह गए हैं, जैसे लहंगा रह गया है रेडी होना या टेलर के पास रह गया है, तो अपने टेलर से व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल पे कर सकते हैं और उन्हें फोटोज भेज सकते हैं। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है क्योंकि वो लोग भी काम नहीं कर रहे होंगे, तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको डिजाइन किस तरीके के चाहिए। अभी आपको टाइम मिल गया है तो आप आराम से उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो काम आपके रह गए हैं, जैसे कि आपको शॉपिंग आपकी रह गई है, तो आप लिख के रखिए कि आपको क्या क्या सामान लेना है। मान लीजिए आपको अपनी हल्दी की ड्रेस लेनी है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप अपने फोन के थ्रू सर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आजकल क्या क्या ड्रेसेस ट्रेंड में चल रही है, उस अकॉर्डिंग आप ड्रेस जो है वो कस्टमाइज भी करा सकते हैं। साइड बाय साइड अगर आपको मार्केट में खरीदनी है तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ मुझे इस तरीके की ड्रेस चाहिए, तो आप उसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या अगर आपकी शादी होने वाली है और आपको सूट स्टिच कराने हैं तो उसके नेक डिजाइन आप देख सकते हैं, या ड्रेसेस भी आपको कस्टमाइज करानी है तो उसके डिजाइन भी आप लेकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको क्या क्या सामान ऑनलाइन मंगाना है, जैसे कि आप अगर मेकअप देख रहे हैं तो आप सिमसिम स्टोर पर जाकर मेकअप को देख सकते हैं और उन्हें एड टू कार्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप उसे यूटिलाइज कीजिए, देखिए आपको क्या क्या सामान ऑनलाइन मिल रहा है और किस डील पे मिल रहा है, तो इस तरीके से आप उन्हें एड टू कार्ट करके खरीद तो सकते नहीं, एड टू कार्ट करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है अपना लहंगा देख रहे हैं, अभी शादी को थोड़ा टाइम है और लॉकडाउन पीरियड की वजह से आप नहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप अपने लहंगे को कस्टमाइज करा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कौन से सेलिब्रिटी के अकॉर्डिंग लहंगा लेना है, उसमें आपको क्या डिजाइन चाहिए या आपको कैसी एम्ब्रॉयडरी चाहिए और कैसा आपको इसे स्टिच कराना है, उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर आप एज अ वेडिंग गेस्ट जा रहे हैं तो आप किस तरीके से ये काम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आप एज अ वेडिंग गेस्ट जा रहे हैं और अभी आपके पास कपड़े खरीदने का टाइम नहीं है, मान लीजिए 14th को खुल रहा है टाइम और 15th की या 20th की शादी है, तो आप इतनी जल्दी कपड़े अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने पुराने कपड़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे साड़ी के साथ आप क्रॉप टॉप को टीम अप कर सकते हैं, नई साड़ी आपके लिए हुई है, ब्लाउज स्टिच कराने का टाइम नहीं है तो पुराने ब्लाउजेस को मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं, क्रॉप टॉप्स को मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर घर पे आपके पास कोई पुरानी अनारकली पड़ी है, उसकी स्कर्ट, उसका जो अपर पार्ट है उसको रिमूव करके आप नीचे के पार्ट को एज अ स्कर्ट वेयर कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई लहंगा पड़ा है तो उसके ऊपर कोई कंट्रास्ट में आप जो है शर्ट पहनकर उसको टीम अप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप और भी इसके अलावा अपने पुराने कपड़ों को रीयूज कीजिए, जैसे कि किसी का प्लाजो लीजिए और किसी की शर्ट लीजिए, दोनों को मिक्स एंड मैच करके आप अपने पुराने कपड़ों को रीयूज कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रीयूज किया है, मैंने अपने वेडिंग लहंगे को के ऊपर अपना कंट्रास्ट ब्लाउज, जो सीक्वल ब्लाउज मेरे पास पड़ा था, उसे टीम अप करके मैंने वेडिंग अटेंड की थी। इसके अलावा मेरे पास इस तरीके का लहंगा पड़ा हुआ है, तो लहंगे को मैंने एक बार पहन लिया था, दूसरी बार सेम लहंगा मेरा रिपीट करने का मन नहीं था, तो इसके ऊपर मैंने इस तरीके की चोली स्टिच करा ली जिसे मैं बाद में एज अ पार्टी टॉप भी पहन सकती हूँ। तो आप इस तरीके से वर्सटाइल तरीके से अपने कपड़ों को रीयूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को भी हिट कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम में मिलती रहे और हम इस तरीके से मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।